आप देख रहे हैं न्यूज फोल्डर, निर्भीक, निष्पक्ष, बेबाक, आपका अपना न्यूज फोल्डर। नगर निगम से 30 कनिष्ठ अभियंताओं को निकालने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, जहां एक और बाहर किए गए कनिष्ठ अभियंता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ते नजर आते हैं, तो वहीं अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर बयानबाजी जारी है। आपको बता दें कि निगम ने 30 कनिष्ठ अभियंताओं को बिना किसी कारण बताए अनुबंध खत्म कर दिया है, और पिछले 2 महीने से विभाग में अनुबंध आधार पर कार्यरत कनिष्ठ अभियंताओं को वेतन भी नहीं मिला है, ऐसा उनका आरोप है। इस पूरे मामले पर पूर्व पार्षद और पूर्व स्थायी समिति के उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने प्रेस वार्ता की। सर, आज 30 जेई खुद को पीड़ित मान रहे हैं, उनका आरोप है कि उन्हें तानाशाही तरीके से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। देखिए, आज जो बड़ी हैरानी की बात है, जेईओ को जिस तरीके से बाहर का रास्ता दिखा दिया और वो धरने पर बैठने के लिए भी मजबूर हैं, उनको मैं सिलसिलेवार आपको सभी पहलुओं पर बात करूंगा। पहली बात तो जिन्हें सफाई करना चाहिए, सेवाओं को उनको बढ़ाना चाहिए, उन जेई को ये लोग अधिकारी, जो खास तौर से मैं नाम ही ले लेता हूँ, पीसी मीना जी जो के ईएनसी सेकंड है और वित्तीय और प्रशासनिक प्रभार संभाल रहे हैं, उन्होंने उन लोगों को एक्सटेंशन देने से मना कर दिया और 30 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया। मैं उनके खिलाफ शिकायत भी कर चुका हूं और उनके अनुसार मुझे लगता है कि जो वो पद पर रहते हुए वो उस पद का दुरुपयोग कर रहे हैं और अपार धन संपत्ति उन्होंने पद पर रहते हुए अर्जित की है। दूसरी बात ये है कि जो ये जेई टेम्परेरी हैं और इन्हें ओपीसी रूल के तहत नौकरी दी गई है, अगर इनसे इनको कोई समस्या है तो इनकी कमेटी में चर्चा करो ना जी, इनका समाधान निकालो ना। आप इन्हें ना सैलरी दे रहे हैं, ना इनको सेक्शन दे रहे हैं, तो ये तो अत्याचार है, बंधुआ मजदूर की तरह से कार्य ले रहे हैं। ये खुली तानाशाही है और खुली धमकी थ्रेट है कि जो पदों का गलत इस्तेमाल है, ये जो पावर का नशा इनको चढ़ा हुआ है, अगर इनको जेई की जरूरत नहीं है तो पीसी मीना जी लिख कर दे दो ना इनको कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। अगर जिस तरीके से इनको टर्मिनेट के नाम पर ये शोषण बंद कर दो, नहीं तो आपकी मंशा ठीक नहीं लग रही। तीसरी बात, मैं पीसी मीना जी जो आप 1989 से सेवारत हुए थे, उस लिहाज से आपको तो 40 वर्ष से भी ज्यादा हो गया। आप किस तरीके से इतनी लंबी सरकारी नौकरी कर रहे हो? आपने डेट ऑफ बर्थ ही गलत लिखवाई हुई है। मैं कमिश्नर महोदय जी से भी आग्रह करूंगा कि ये जो ईएएनसी है इनको वीआरएस दे दो जी, और 56 जे में रिटायर कर दो इनको। सर, ये जो 30 जेई इसने निकाले हैं, इसको उन 30 जेई के परिवारों की जो चिंता ही नहीं है कि वो किस तरीके से डिस्टर्ब होते होंगे। इन जेई से मेरी मुलाकात हुई और इन्होंने बताया कि हम तो वैसे ही परेशान हो रहे हैं, जेईओ की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है इनके कारण। इन जेईओ के मुताबिक जो ये ईएएनसी हैं सेकंड, ये इनके साथ में व्यवहार भी अच्छा नहीं करते हैं, इनके साथ ये अभद्र व्यवहार करते हैं, इनको अपने ऑफिस में नहीं घुसने देते, और ये जो 130 समझी साजिश के तहत इन अधिकारियों में डर फैलाना इनका मकसद लगता है। जिन जेई ने जीवन भर सेवा की है और वो तानाशाही के शिकार हो रहे हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा? और पूरी भाजपा पीड़ित जो जेई है उनके साथ खड़ी है, और जिस तरीके से इनको न्याय नहीं मिल रहा है, ये आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, ये
आज कर्मचारियों का साथ ना देकर इनका अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का सहयोग कर रहे हैं। क्या यही आप लोगों की मानसिकता थी? दिल्ली की व्यवस्था को आपने बिगाड़ रखा है। आपकी तानाशाही बंद होनी चाहिए। और आपका अगर ये जो रवैया रहा तो मैं आपको कह रहा हूं पीसी मीना जी, मैं शिकायतें लिख भी रहा हूं, मैं कोर्ट केस भी करूंगा, आपको FIR करवाने का कार्य भी मैं करूंगा। इस प्रेस वार्ता में भाजपा नेता विजेंद्र यादव ने अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। अब जरूरत है इनकी निष्पक्ष जांच की कि आखिर दाल में कितना काला है या पूरी दाल ही काली है। जो भी दोषी है उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। भाजपा नेता विजेंद्र यादव के आरोपों की परख करने के लिए अब इस पूरे मामले की जांच होना अनिवार्य है। नई दिल्ली से न्यूज़ फोल्डर ब्यूरो रिपोर्ट।